नमस्कार दोस्तों, आज आए आपका भाई एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बाएं का दर्द, कमर का दर्द, कहीं भी पूरे शरीर में दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, उसकी खाली एक ही दवाई, और बहुत ही बढ़िया वो दवाई है, बहुत ही फायदेमंद वो दवाई है, आप ज़रूर यूज़ करना। वो दवाई कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों नमस्कार, अब आपको ये तेल बनाना सिखाते हैं कि तेल कैसे बनता है। आपके कहीं भी दर्द हो, गठिया का हो, वायु का हो, इस तेल को आप जो है किस प्रकार लगाना है और किस प्रकार बनाना है, तो ये सबसे पहले हमने एक खाली शीशी ले ली। ये खाली शीशी लेके इसको साफ करके, और इसमें सबसे पहले हमने ये तारबीन का तेल, तारपीन का तेल 15 रुपये का आता है बाजार से, इसे ले लीजिए आप। इसको इस तरह से इसको डाल लीजिए। अब इसमें इसी के इससे सवा गुना थोड़ा फालतू इसमें पानी डाल लीजिए, इसमें पानी डाल लीजिए, ये हो गया। अब इसको आप जो है इस तरह बंद कर लें, इसको जितना हिलाया जाए इसको हिला, इसको इस प्रकार हिलाते रहे कि ये बिल्कुल तेल और पानी एक हो जाए। इसी तरह इसको हिलाते रहे, हिलाते हिलाते जब इसको देखो ये दूध जैसा रंग हो गया, इसका इसका रंग दूध जैसा हो गया, देखिए दूध जैसा रंग हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए लाने के बाद में इसमें जितनी आपने तारपीन डाली है उतनी ही इसमें ये अमोनिया, ये देखिए ये अमोनिया, अमोनिया इसमें आप उसी अंदाज से डालिए। ज़्यादा पड़ जाए तो कोई बात नहीं, और थोड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं। इस प्रकार इसको कर लीजिए, करने के बाद इसको फिर हिलाइए। हिलाने के बाद में इसको इस प्रकार हिलाते रहिए कि तीनों चीज मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में इस मिक्स होने के बाद में जैसे आपके कहीं भी दर्द है, इस पे से इस प्रकार लीजिए और जैसे आपके घुटनों में दर्द है इसको इस प्रकार लगा दीजिए। बस ये इसकी मालिश नहीं करनी है और इस प्रकार लगाना है इसे, ये देखिए इस प्रकार इसको लगा दीजिए। इसकी धूप में बैठ कर ना लगाएं और धूप में ना सिकाई करें इसकी, गर्म पानी ना डालें इस पर, और आपका दर्द मिनट सेकंडों में गायब हो जाएगा। इसी प्रकार आप कर लें, जब इसकी डाट खुली ना रहने दें, डाट खुलने पर ये उड़ जाएगी, दवा बेकार हो जाएगी। लगाएं और तुरंत डाट बंद कर दें, और जब भी इसे लगाएं तो इसको जैसे ये तीन भाग, तीन तरह की दिख रही है आपको, इसको इस प्रकार हिलाएं और जब इस प्रकार जब लगाएं। अच्छा नमस्कार, अब कल मिलेंगे आपको हम दूसरी दवाई की जानकारी देने के लिए।